नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डिस्पैच दिखा रहा हूँ बार थ्रेडिंग मशीन की। ये बार थ्रेडिंग मशीन डिस्पैच करने से पहले क्या क्या टेस्टिंग होती है, क्या चेक होता है और ये कितने की आएगी, मैं आपको इसका रेट भी बताऊँगा और इसकी पैकिंग हम कैसे करते हैं ट्रांसपोर्ट पे जाने के लिए, वो भी आपको दिखाऊँगा। अगर लगाए बोल्ट दिखा रहा है, ये इमरजेंसी स्टॉप स्विच है हमारा। अब हम हैंडल जैसे आगे करेंगे मशीन स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज़ नोट करने लायक है कि अगर ये मशीन जब स्टार्ट होगी ना, तो इसके चक्कर ऐसे चलने के बजाय इसके अपोजिट चलना चाहिए, हैंडल के बिल्कुल अपोजिट चक्कर होना चाहिए। फिर तो जैसे स्टार्ट करेंगे अभी इसको जैसे पूरी कटने के बाद ये ऑटोमेटिक अपने आप बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ पे हम सरिया लगाते हैं 32 mm 25 mm, वो इसमें फिट होगा। पहले जब चलेगी तो चूड़ी काटेगी, फिर अपने आप बाहर जाएगा ये। और इसको आप पीछे करोगे या इसे नियमित स्विच है, ये टच होने का ये बंद हो जाएगा। ये मशीन है, इसमें आप 32 mm तक का, 40 mm तक का भी आप सरिया पे चूड़ी आप काट सकते हो। अपना कृष्णा एंटरप्राइजेस, ये इसके अंदर पानी का टैंक है, पानी का टैंक और कटिंग ऑयल, ये दोनों डलता है यहाँ से, फिर ऊपर जाता है और यही पानी यूज होने के बाद वापस टैंक के अंदर आता है। यहाँ पे पूरी बात ये 3 वायर हमने लगाए हैं बाहर से इसको बिजली देने के लिए, सप्लाई देने के लिए। और ये सारा अपना क्या है, कंपनी फिटेड लगा हुआ आता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये रिंग मेकिंग मशीन है, 16 mm तक, 18 mm तक रिंग बनाने वाली। ये रोलर है, डबल ड्रम रोलर, फोक बिहाइंड, देखो 2 रोलर लगे हुए हैं। ग्रीव्स का इंजन आएगा 10 HP वाला, ये भी काफ़ी यूज में होता है। ये मिक्सर मशीन आजकल जो छोटे छोटे चल रहे हैं, वो मिक्सर मशीन। अगर आपको सरिया लगाना है 25 का या 32 का, उसको पहले सेट करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा लूज करना पड़ेगा इसको, थोड़ा थोड़ा लूज करने के बाद में बता रहा हूँ कैसे सेटिंग होगी। 6 बोल्ट हैं, 6 थोड़े थोड़े लूज करना है। ये 6 बोल्ट हैं और 6 के 6 थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के लूज करने हैं। इससे सेटिंग होगी, अच्छा इस बोल्ट से सेटिंग होगी। हाँ, ये लूज करने के बाद, ये 6 बोल्ट होते हैं, इसको लूज करने के बाद इससे सेटिंग, इसको घुमाना है और ये पतले वाला सिरा अंदर की सेटिंग है। इसको हम अंदर डालते हैं और इसको टाइट करते हैं। अभी देखो ये लूज है बिल्कुल। हाँ, इसको हम टाइट करेंगे। ये हमने टाइट कर दिया है, इतना देर आराम से अंदर बाहर हो जाइए। अच्छा, ये अंदर से टाइट हो जाता है। ये टाइट हो गया, ठीक है ठीक है। ये हमारे सेटिंग के लिए, ये 25 mm का सरिया हमने सेट करके दिखाया आपको। हाँ, ये रोलर लगा हुआ है 25 से 32 और दूसरा रोलर नीचे इसके, और हमेशा सेटिंग जब होगी ये बिल्कुल पीछे होना चाहिए। सेटिंग करते वक्त ये ध्यान रखना, ये रोलर हमेशा पीछे की तरफ, ये हेड पूरा पीछे होना चाहिए। अब इसकी सेटिंग हमने अंदर वाले कर दिया है, अब हम इसको टाइट कर देंगे, इसको निकाल लेंगे अपना, ये पतले वाला अंदर जाएगा। अब इसको हम टाइट करेंगे, फिर आगे ये 6 बोल्ट जो लूज किए थे वो टाइट करेंगे। हाँ, टाइट करेंगे, उसके बाद आगे की सेटिंग हम बताएंगे। तो सबसे पीछे कर देंगे, जब भी सेटिंग करना है सबसे
सेटिंग करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये बोल्ट को लूज करेंगे थोड़ा, ये चार बोल्ट हम लूज करेंगे। ठीक है, ये चार बोल्ट ये जो लगे हुए हैं, ये चार बोल्ट लूज करने हैं सेटिंग करने से पहले, वो भी बाहर की सेटिंग, अंदर की तो हम कर चुके हैं। हमने ये लूज कर दिए, अब ये चलने लगा है। ये लूज करने के बाद है ना, इसको आगे पीछे हम इसको देखो, अंदर देखो आप, बाहर से शरीर को टाइट करने के। अब हम जो ये मोटे वाला जो सिरा है ना, ये मोटे वाला, हाँ, इसको हम बाहर यहाँ इतना डालेंगे बस, अंदर की तो हो गई हमारी सेटिंग, अब इसको हम यहाँ पर टाइट करेंगे। ठीक है, ये अब ये टाइट हो गया हमारा। ठीक है, टाइट हो गया, अब हम इसको यहीं पर टाइट कर फिक्स कर दें। चारों टाइट करने पर हमारी ये 25 की सेटिंग कंप्लीट हो गई, और ये सेट जब करना है कि मशीन पूरा पीछे होनी चाहिए, ये जो है बंद पोजीशन में होना चाहिए हेड। ये अपने ट्रांसपोर्ट पे मशीन जाने की हो रही है तैयारी। पहले हम करते हैं बबल रैपिंग अच्छी तरीके से, इस पर टेप वेप लगा के बबल रैपिंग चढ़ाते हैं, फिर इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं तो बबल रैपिंग होगी ये प्रॉपर, फिर इसके ऊपर हम ये लगाते हैं गत्ते का, और गत्ता लपेटते हैं, फिर उसके बाद फिर दोबारा से बबल रैपिंग चढ़ाते हैं। ये जैसे गत्ता लपेट के इस पर टेप लगा दी है, अब आगे इसके ऊपर फिर एक बार बबल रैपिंग होगी। ये क्या है, ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, बगैर इसके ये ना मशीन डैमेज होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। तो बबल रैपिंग चढ़ाओ प्रॉपर, ये देखो, इससे क्या है ना मशीन सेफ पहुंचती है कस्टमर के पास। अब कोई कस्टमर इतना पैसा इन्वेस्ट करता है तो फिर भाई पैकिंग करनी ज़रूरी है। वैसे इस मशीन की कॉस्ट है 90,000 प्लस GST, 40 mm तक का आपका ये थ्रेड करेगी। और अगर आपको मशीन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर मांग सकते हैं, और वैसे मेरा कृष्णा एंटरप्राइजेस पे मेरा नंबर अवेलेबल है। अपनी मशीन हो गई है रेडी, पहले बबल रैपिंग नीचे, फिर ये अपना गत्ते का आता है ना ये वाला, फिर ऊपर से फिर बबल रैपिंग। तो क्या है, डैमेज होने के चांसेस बहुत कम है, वो फिर वो ट्रांसपोर्टर की गलती से ही डैमेज होगी, करना होगी नहीं। आगे हमारी गाड़ी जा रही है, इसमें हमारी मशीन, तो आपको ट्रांसपोर्ट में पहुंच के दिखाते हैं हम। तो ये ट्रांसपोर्ट में अपनी मशीन उतर गई, वैसे तो यार ये उतरती तो है ना हाइड्रा मशीन से है, सेफ्टी बेल्ट लगा के, लेकिन वो हाइड्रा वाला भी थोड़ी लेट आएगा तो हम इसको उतार रहे हैं। बाकी यहाँ से जब ट्रक में जाएगा, एक वो बार कटिंग, बार थ्रेडिंग,
ये अपनी कटिंग मशीन है, थ्रेडिंग मशीन है, और वो बार बैंडिंग कर रही है। फट्टा फट्टा सर कर लो। बस उतर गया भाई।